शाहजहांपुर की चौकी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौकी कोतवाली ने दो महिलाओं सहित तीन ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से सोने और चांदी की नकली जेवरात और नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस गिरफ्त में आई ठग महिलाओं ने पूछताछ में बताया है कि वो एक गिरोह बनाकर लोगों को ठगने का काम करती हैं। पकड़ी गई महिलाएं तबस्सुम सानिया और मोबिन मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले की रहने वाली हैं। इन महिलाओं ने चौक के एक सुनार को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया, जिसके बाद ये महिलाएं पुलिस गिरफ्त में आ गई हैं। पुलिस की पूछताछ में दोनों महिलाओं ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया है कि इनका गिरोह भोले भाले लोगों को असली सोने चांदी दिखाकर कम दाम में उन्हें नकली ज्वेलरी बेच दिया करते थे। अभी तक लगभग सैकड़ों लोग इन महिलाओं के ठगी का शिकार बन चुके हैं। कल दिनांक 22 फरवरी को कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार में एक पुरुष दो महिलाएं महेंद्र ज्वेलर्स की दुकान पर गईं और उन्होंने नकली चांदी के कुछ जेवर बेचने का प्रयास किया। वहाँ बैठे दुकानदार रुपेश वर्मा को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने उन आभूषणों की विधिवत जांच की तो उन्होंने पाया कि इसमें नकली चांदी है, चांदी की जेवर नहीं है, और वो पुरुष और दो महिलाएं उसको बेचने का प्रयास कर रहे थे क्षेत्र में। उन्होंने इस संबंध में थाना कोतवाली को तहरीर दी, इसकी जाँच की गई थाना स्तर से। पाया गया ये पुरुष मोबीन पुत्याशी मुजफ्फरनगर के हैं और इनकी दो रिलेशन में दो महिलाएँ थी, तीनों मिलकर उस नकली जेवर को यहाँ भेजने का प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में रुपेश वर्मा की तहरीर पर कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा अपराध संख्या 96/23 धारा 420 IPC कायम किया गया है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई है, अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है।